अरे आई गरीब बंदे एक बंदा दिहाड़ी करने वाला पांच छे जी खान वाले जिप्सीज जो हैं यहाँ के इंडिजिनस हैं। ये इसी धरती से पैदा होने वाले लोग हैं। चूंकि बहुत सारे लोग इंडो पाक पर बाहर से आए जिन्होंने हमले किए, लूटमार की, और जिनमें मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, और ये वो लोग थे जिनको बार बार जो है ना यहाँ पे डिस्टर्ब किया जाता था, और इस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ को फॉरएवर इस किस्म की लाइफ बना लिया कि ये जिप्सीज हो गए और घर बना रहा, और इस किस्म की चीज़ों से इन्होंने जो है ना उसके बाद छोड़ दिया और ये जंगलों में और इधर उधर मूव करते रहे, और इसी तरह से इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के प्रोफेशन जो है ना उनको अडॉप्ट कर लिया। इन्नी सर्दी पै रही है, एडी कि मैं परेशान हाँ, बंबारत औरत हो गई दी हाँ, बुखार चढ़िया दे तो सर्दी पै रही है, तो मैं की कर सकता, कितों मैं पैसे लवा, बारिश हो रही है, मैं बाहर हैगी हाँ, परेशानियों नाल ब्लड प्रेशर मैनू हो गया, तो की गल होनी चाहिए। बारिश आती है, हमारा वो जमीन जो है ना वो ऊंची है, तो पानी वहाँ ठहरा ही रहता है, ठहरा रहता है, तो बीच में इतना वो गंद हो जाता है, सारा घर खराब हो जाता है, वो बच्चे बीच से गुजरते हैं, कोई फिसल के गिर जाता है, किसी को क्या हो जाता है, किसी की टांग टूट जाती है, चीजें ऐसा के बहुत ही मसले होते हैं। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, तो हम उसको बाहर नहीं निकलने देते क्योंकि इतना इतना पानी होता है अंदर, तो इसीलिए हम बच्चों को बाहर निकलने नहीं देते। अब लाहौर में जो जिप्सीज हैं यहाँ पे इस वक्त कोई 17 किस्म के जिप्सीज हैं जो मुख्तलिफ कबाइल में और मुख्तलिफ ग्रुप्स में यहाँ पे जो है ना बैठे हुए हैं, और हर ग्रुप जो है, हर कह लें कि उनका जो सब कास्ट है उसकी एक अपना प्रोफेशन है, उनकी लैंग्वेज भी फ़र्क फ़र्क है थोड़ा जो है ना। बहुत पॉपुलर जो यहाँ पे जिप्सीज हैं उनमें आपको यहाँ पे कलंदर मिलेंगे, ओड मिलेंगे, भातू यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, जोगी हैं, इस तरह से बलोच भी कुछ हैं, और जिप्सीज का जो कल्चर है ये बहुत जल्दी से ख़त्म भी हो रहा है। बेटा मेरा वो सब बीन लेके जाता गली गली जाता है, तो तभी गली गली भी जाता, जाके बेचारे गरीबों फल लेंदे ने, तो कोई रुपया देता, किसी ने 2 रुपये देता, किसी ने आटा देता, आपके गरीब लोग किधर जावे, सी
सानू कोई जगह दो जिथे असी बैठ जाइए। साडे बच्चे बेचारे सांप बीन लेके जाते हैं गलिया च जाते हैं, वो पुलिस होंगी अगे तो फड़ लेंगे ने। क्या मसला है गरीबों का? साडा सोचो बंदा मेरा जिहड़ा जेल च हैगा ने, बंदा मेरा फड़ के लै गया देने जेल च, बंदा मेरा हैगा है तो बहुत गरीब हूँ मैं, आप मंगना मैंने पसंद नहीं हैगा, तो मैं धक्के खाती फिरनी हूँ, रुलती फिरनी हाँ। हम सांप ढूंढते हैं, सांप को दिखाते हैं, फिर खील करते हैं उसका, पैसे उसके लकीर देखते हैं, जो सुराख होता है ज़मीन में उसमें सुराख देखकर उसका खेल निकालते हैं, उसको पानी डालते हैं, उस पर पानी डालकर फिर निकालते हैं और निकाल कर उसमें ढूंढ के पकड़ के लेके आते हैं घर में, घर में ले कर आकर फिर लेबॉरेटरी में दे के आते हैं। हम बड़ी बड़ी दूर जाते हैं तमाशा करने के लिए, एबटाबाद, मानसेरा, गलगित, चित्राल, पंडू, गुआंट, ये हम सभी इलाका फिरता है, गलगित, कराची तक हम जाते हैं सांप ढूंढने के लिए। हम खेल भी करता है, सांप भी ढूंढता है, क्योंकि ख़ानदानी हमारा सांपों का खेल है ना, हम सांपों का खेल ही करते हैं। पकड़ने जाते हैं सांप, सांप लड़ जाता है हमें, हमारे से लड़ जाता है, हम दवाई लगाते हैं वो सही हो जाता है। हमारे पास बूटी है, सांप पकड़ा, सांप पकड़ के हमें उसमें मुँह में डाल देते हैं, उसका दांत जो इकट्ठा हो जाता है उसमें दवाई असर नहीं करती, वो जो जहर है ना वो जहर आत्मे भी पकड़ो, सांप कुछ भी नहीं कहेगा। सांपों का सरदार सी गुगा पीर, वो रात को चार पाई सांप बना देते थे, जैसे ये चार पाई पे बैठे हुए ना ऐसे चार पाई वो सांप बन जाते सी, वो पीर जो सी ना ऊपर सो जाता सी, सुबह उठना दात्री नाल वढ़ना दरियाए बुरदा कर देना सांपों को, वो इनकी नस्ल मुकानी चाहता सी ना, ख़त्म कर देता सी। तो ये सांप सी ना तो इंसान का दुश्मन है ना सांप, तो ऐसे ही ख़त्म कर रहा सी, ये असल बात है। इसका मुजहरा है गुग्गा पीर का, वो बुजवात रोड में जी जिले गुजरात दे के सियालकोट के सेंटर में वो दरिया है ना, उसमें ऊपर इसका मुजहरा है। लेकिन जिप्सीज की इतनी बड़ी तादाद है लाहौर में ही, यहाँ पे 1,97,000 के करीब जिप्सीज मुख्तलिफ किस्म के आबाद हैं, और जिनमें बच्चों की तादाद जो है ना सबसे ज़्यादा है। अल्लाह पाक दी जगह ये जड़े बड़े बड़े लोग ही मल्ली बैठे ना सानू रहन देंदे इत्थे, ये कहंदे मेरे चुको चुगियां चुको, असी किधर जाइए, असी मेहनत करके आने 250 रुपये दिहाड़ी आउंदी, आटा ही नहीं मसा पूरा हुंदा शाम नू, असी किधर जाइए दसो, छोटे छोटे बच्चे ने। दीवाना कर दिया कैसे लड़के को।